पता की गल है, निकल पैंदी लत्तां किधरे होर। ये मस्करिया चैनल है थोड़ी सी, ये मस्करियां करनी पड़ती हमें। कब्ज तो नहीं हुई, खुल गई। शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करती? ट्रस्ट मी। आप बहुत सुस रही हैं जो आटे में पड़ जाती है। आटे में क्या, और आटा मिल नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विक्की अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, आज हम जिस फनकारा के घर में मौजूद हैं, ये एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं। इन्होंने बड़ा काम किया है, फिल्म भी की है, टेलीविजन भी किया है, यूट्यूब चैनल्स के साथ भी काम किया है, टिकटॉक भी बहुत बनाती रही हैं, डांसर भी कमाल हैं, एक्टर भी कमाल हैं। जी हाँ, राबिया चौधरी के साथ आज हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। नहीं, ठीक ही होंगी, जाहिर है, हिलने वाले झूले में बैठी हुई तो ठीक ही होंगी। क्या मतलब आपका हिलने वाले झूले में क्या है? अरे बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही हैं। मीठी हैं, नमकीन हैं? मैं बहुत नमकीन। वो आप पे गाना बना है, मैं चिप्स वांगू करा रही वे। क्या मतलब? नहीं, वो गाना कैसे बनाया है? गाना की मतलब, गाना वो अच्छा है, मैं नमकीन है, मीठी अड्डी भी नहीं है। अच्छा, इतनी भी मीठी नहीं है? नहीं, मैं इतनी ज्यादा मीठी होना भी ना शुगर हो जाएगी आप। नहीं, मुझे जरूरत भी नहीं। छड़ दे, की गल है, निकल पैंदियां लत्तां किधरे होर। सुसरे बाज आया, तू सीधी तरह नहीं आएगा मेरे हाथ। स्टेज करना आपको कैसा लगता है? स्टेज करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, टिकटॉक की बात हो रही थी, सॉरी। आप क्या दिमाग, ये मस्करिया चैनल है थोड़ी सी, ये मस्करियां करनी पड़ती हमें। अच्छा अच्छा, आप समझ नहीं रही। हाँ, तो आपको टिकटॉक? हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ। तो स्टेज पे काम करना कैसा लगता है? ये ना अब छोड़ दो, ठीक है, खुल के हंसो। ससुरे कितने दिन हो गए हंसा नहीं है तू। आपको भी हंसना पड़ेगा ना। कब्ज तो नहीं हुई, खुल गई। दरअसल मैं हंसू ना तो व्यूअर्स मेरे खुश नहीं होते, क्योंकि उनको मेरी मुस्कुराहट अच्छी लगती है। आपकी मुस्कुराहट अच्छी लगती है, कहते हैं वो हंसते रहा करें आप। अच्छी बात है, हंसना चाहिए, हंसना चाहिए। चलें सीरियस बात करते हैं ना, कि भी ये बताएं मुझे कि स्टेज काम करना अच्छा लगता है आप? हाँ जी, स्टेज लाइफ काम अच्छा लगता है करना। लोगों के कमेंट्स जब होते हैं आपके बारे में, मसलन कभी आप ड्रेसिंग के बारे में लोग कहते होंगे आपने ड्रेस आज अच्छा नहीं, फैंस आपके कभी कहते होंगे आपकी एंट्री छोटी है, कभी आप कहते होंगे ये आपने क्या बात की है, वो लड़का आपको जुगत क्यों ऐसे कर रहा था। हाँ, तो ऐसे लोग होते हैं क्या? होते हैं ऐसे लोग, लेकिन सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हमें भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लड़कों बंदों के साथ? क्या मतलब? नहीं, किनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? अपने काम के साथ, प्रोड्यूसर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना? वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर ही रहे हैं। वो तो जब से लॉकडाउन हुआ कर ही रहे हैं, वो तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कर। क्यों उनके साथ कॉम्प्रोमाइज ही होना? कॉम्प्रोमाइज ही हो, प्रोड्यूसर किसी तरह खुश हो जाए, एक्टर चाहे मर जाए। मर जाए, वो प्रोड्यूसर खुश होना चाहिए, एक्टर मरते हैं तो मरे। अच्छा, तो डांस आपने सीखा है या खुद से ही आपको आता है डांस? नहीं, जब मैं स्टार्ट में थी तो मैंने सीखा तो नहीं था किसी से। कोई स्टेप करके दिखा। क्या मतलब, अब यहाँ पे बैठी मैं आपको कैसे स्टेप करके दिखाऊं? कोई भी करके दिखा दें स्टेप, ये कोई डांसर के लिए तो प्रॉब्लम नहीं होती। आप मुझे कहें कि करके दिखाएं, मैं करके दिखा देता हूँ। अभी आप तो सुसरे हो, आपके तो क्या कह रहे हो, आप भी तो सुसरी। मैं किस बात से सुस रही हूँ? आप बहुत सुस रही हैं जो आटे में पड़ जाती है। आटे में क्या, आटा मिल नहीं। अब स्टेज पे आप जाती हैं, एंट्री म्यूजिक एक लगता है। मैं हर लड़की से ये सवाल करता हूँ कि एंट्री म्यूजिक अजीब होता है, आपका हीरो खड़ा हुआ है और आप आकर कह रही हैं बट सोने हैं, वो चौधरी बना हुआ है, तो ये क्या एंट्री म्यूजिक होता है? बस अब जैसा जो सिस्टम चल रहा है उसके साथ चलना पड़ता है, हमें भी, हमारी भी मजबूरी है। आगे ट्रेजेडी सीन है, लास्ट पे ये थे कुड़ी इंट्री म्यूजिक थे, इंट्रो हो रही है की गल। ले एक तो केड़ा ट्रैक्टर पागल है जदे काम करवान, यहां जदे में कई ड्रामे दे गए ने, एवें जदे गए ने, लास्ट पे ये तो इंट्री म्यूजिक दे आ रही है। केड़ी लाश पे ये ड्रामा है, एक एंजॉय, चिल मस्ती है, लोग चिल मस्ती करदे ने, जदो लाश वाला कोई सिचुएशन है तो ओथे की इंट्री म्यूजिक होना चाहिए। लास्ट पे लाश पे ये ओथे, हुन मैं कुछ नहीं दस सकदी, डायरेक्टर नु पता होएगा। बिगो पे बैठती हैं आप? हां जी, मैं बिगो यूज करती हूं। तो घर पे नहीं बैठती आप, टेक के और बिगो पे बैठ बस। ये इसी तरह क्या वजह हुई है? बस नहीं, घर पे बैठना चाहिए, बिगो पे क्यों बैठती है? घर पे बैठने से खर्चे नहीं ना पूरे होते, क्या करें? बिगो पे बैठना जरूरी है, बिगो पे बैठना जरूरी है, लेकिन उसके पीछे भी इमरान खान साहब पड़ गए हुए हैं। बिगो के, बिगो के जाहिर है, बिगो पे भी तो बड़ा कुछ होने लग गया ना। बिगो पे बैठने के लिए अर्निंग होती है ना, उसमें से कमाई होती है, कितने पैसे कमा लेती हैं आप? मैं अगर बिगो को रेगुलर टाइम दूं, अच्छा टाइम दूं, तो मैं उससे अच्छी खासी सैलरी निकाल सकती हूं। आप जैसी लड़कियां उर्दू अजीबो गरीब सी बोलती हैं, रक्षा लेना किराया मुका रही हूँ ना, तो उनके ये डिफेंस जाना है, कितने पैसे लेंगे आप? तो कहना 250 लाँगे, हाय हाय मार गई होनी, तो 150 जाएंगे एकदम पंजाबी जा जाएंगी।
ਤੇ ਸੁਸਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਜ਼ਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ तो अगर मैं आपको ये झूला दूं ऐसे ऐसे हाँ। तो कैसा लगेगा नहीं आप मुझे ना दो मैं खुद ही ले लूंगी आप खुद ले लेंगी हाँ, मैं खुद झूले ले लूंगी खुद कैसे झूले ले लेंगी हम मैं ऐसे ना ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे। मेरे पे कुछ जुगत आ रही है आप पे तो बड़ी सारी जुगते आती आज बोले बोले क्या जुगते इतनी गर्मी अभी सर्दी आई नहीं इतना महंगा खद्दर का कोट पहन लिया अल्लाह ही खैर करे पित्त शित्त तो नहीं निकल आई आपको कहीं पित्त निकल आई तो आप पाउडर लगा देना मैं आपकी अम्मी हूँ मैं आपको कब आई फील्ड में मुझे तकरीबन 8 साल हो गए हैं 8 साल फील्ड में हो गए हैं तो कैसा लगता है जब प्यार करने वाले लोग जो लाइक करते हैं आपको और फिर वो आपसे कहते हैं फ़ोन पे कि आप अलहदा मिलें हमें बात करनी है आपसे खाना खाएं कैसा लगता है अच्छा तो नहीं लगता लेकिन बस अब आपको अपने फैंस को नाराज कर दिए हैं खुश नहीं फैंस को खुश रखना चाहिए आप जरा खड़ी होकर बताएं मुझे आपका कद बड़ा छोटा है इसी में सोती हैं आप नहीं खड़ी होकर दिखाएं अभी मैं आप मैं खड़ी होकर नहीं तो आप मुझे बस मैं इसमें बैठी कितनी अच्छी लग रही हूं इसी में सो जाती हैं आप ये रखे मैं सराहने आपने सोने के लिए ये रखे हैं ये आपके घर वालों ने मुझे बताया कि ये कमरा इसको दे दिया लैदा जिथे मर्जी ले जा ईद वाले दिन ला भी ले बच्चों को झूठे भी देते कमरे च ठीक है ना नाले कमाई भी कर ली तो नाल सो भी गई ओदे जी सही है ना अच्छा ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है फ्री तो थोड़ा सा होना पड़ेगा मेरा शोखा ना हो ससुरे मस्करियां मस्करियां किस बात की दिमाग नहीं खराब करो मेरा कौन सा शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करती मैं ट्रस्ट मी क्या समझती हैं कि फील्ड में कैसे चेंजिंग आ सकती है वो प्लेज वो ड्रामे किस तरह से हो सकते हैं ये एक मुनाफ़कत जब इस फील्ड से निकल जाएगी ना तो ये बहुत अच्छी फील्ड हो जाएगी अच्छा ये एक चीज एक बताएं मुझे आपका नाम राबिया चौधरी यस तमाम तर मैंने लड़कियों में देखा है कि चौधरी हैं आशा चौधरी है अनिता चौधरी है तो इतनी सारी चुदराने जो आई हैं चुदरानियां जड़ी आई हैं एक केड़ा चौधरी जने एको बारी इन्नी बड़ियां जमती हैं बस उन ऐसे तरह ही है ना जिन्हें जिदा भी ना होया है जड़ा कोई अच्छा रिलेशन बनया तो नाल चौधरी लग गया ये की है असल बात राबिया चौधरी ने नाजरीन ये जो अजूज मजूज की कौम आनी हुई थी ना उसमें से ये इंशाल्लाह ताला एक परसों नाजरीन राबिया चौधरी साहबा ने बड़ी अच्छी बातें की हैं मस्करियां चैनल देखना मत भूलिएगा ऐसी आर्टिस्टों को ऐसे फनकारों को सुसरा आपको दिखाता रहेगा क्योंकि मस्करियां चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे कमेंट्स करेंगे और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि सुसरा आपके साथ है अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ जी थैंक यू सो मच